कांडा में इस टाइम पे सुरेंद्र पचौरी जी जो कटवाल हैं उनका वहाँ पर रवैया अच्छा नहीं है। हमें डर है कि वो चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं करा सकते हैं। इससे पहले भी एक चुनाव उन्होंने कराया है तो उन पर एलिगेशन काफ़ी लगे थे। कांडा क्षेत्र में एक पचौरी जी हैं कोतवाल, उन्होंने वहाँ जनता को बहुत परेशान कर रखा है, जनता उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। लोकसभा के पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना शुरू कर चुके हैं। ऐसा ही मामला रामपुर लोकसभा 7 सीट पर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जिशान खान से जुड़ा है, जिन्होंने जनपद में तैनात एक कोतवाल पर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाते हुए उसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की है। रामपुर जनपद के थाना टांडा के प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह चौधरी एक बार फिर चर्चा में हैं। समय लोकसभा के चुनाव का है, 19 अप्रैल को यहां पर प्रथम चरण का मतदान होना है। ऐसे में टांडा कोतवाल पर आरोप लगा है कि उनके द्वारा क्षेत्र के मतदाताओं को बिना किसी वजह के भयभीत किया जा रहा है ताकि मतदान प्रतिशत में कमी आए। कोतवाल सुरेंद्र सिंह पचौरी की शिकायत बसपा प्रत्याशी जिशान खान के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी जोगेंद्र सिंह से की गई है। टांडा में इस टाइम पे सुरेंद्र पचौरी जी जो कोतवाल हैं उनका वहाँ पर रवैया अच्छा नहीं है। हमें डर है कि वो चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं करा सकते हैं, चुनाव को भयभीत कर सकते हैं, क्योंकि कल कुछ लोगों ने हमें वहाँ बुलाया था और उनकी शिकायत करी थी कि वो वहाँ पर दबाव बना रहे हैं और वो चुनाव इससे पहले भी एक चुनाव उन्होंने कराया है तो उन पर एलिगेशन काफ़ी लगे थे। तो हमने जिलाधिकारी महोदय को इसी माध्यम से चुनाव आयोग को भेजा है एक लेटर कि उनको यहाँ से हटा दिया जाए। रामपुर ज़िले में जो टांडा है कांडा क्षेत्र में एक पचौरी जी हैं कोतवाल, उन्होंने वहाँ जनता को बहुत परेशान कर रखा है, जनता उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके लिए मैंने जिलाधिकारी महोदय को लेटर दिया है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिलाया है कि मैं इस पर पूरी जांच करूँगा और निष्पक्ष चुनाव होगा, अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ आकर बैठूँगा। किस तरह की शिकायतें मिलेंगी आप? शिकायतें बहुत थी, ये उपचुनाव को लेकर थी, लोगों को वोट नहीं डालने देना, धमकाना, ये सब बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के साथ जाती थी हमारी, वो सब देख लेना। गौरतलब है कि कोतवाल सुरेंद्र सिंह पचौरी पटवाई और गंज थाने के प्रभारी रह चुके हैं। वर्तमान समय में उनकी तैनाती जनपद के थाना टांडा में है। उनके थाना गंज कोतवाल रहते हुए शहर विधानसभा और टांडा प्रभारी निरीक्षक के रूप में तैनाती के दौरान स्वार विधानसभा का उपचुनाव हुआ है। इन दोनों उपचुनाव में भी वो मतदान को प्रभावित करने के आरोप में घिरे रहे थे। कोतवाल सुरेंद्र सिंह पचौरी की तैनाती के दौरान उनके विवादों की चर्चा अक्सर पहले भी होती रही है। इस प्रकार ही उन पर एक और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए थाना पटवारी में तैनात रह चुके उन्हीं के समकक्ष इंस्पेक्टर क्राइम वीरपाल सिंह के द्वारा कंडीशनरी इस्तीफा देने का मामला भी चर्चित प्रकरण में गिना जाता है। हालांकि बात अलग है, तत्कालीन पुलिस आला अधिकारियों के द्वारा इस प्रकरण में पूरी तरह से चुप्पी साधी गई थी, जबकि पीड़ित इंस्पेक्टर वीरपाल सिंह डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और उन्हें रामपुर के ही एक निजी अस्पताल में अपना इलाज तक कराना पड़ा था। रामपुर से ग्लोबल टुडे के लिए रिजवान खान की रिपोर्ट। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।